बेये टाउन कराची के कस्टमर अक्सर नाराज होते हैं कि यार बहरिया में जो घर बनते हैं 500 गज के, वो लाहौर और इस्लामाबाद जैसे क्यों नहीं है। तो आज मैं उनकी जो परेशानी है, जो उनकी जो अक्सर जिस पे नाराज होते हैं, वो आज मैं दूर करने जा रहा हूँ। क्योंकि सुपर अल्ट्रा लग्जरी विला सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव घर अपने लिए ढूंढते हैं 500 गज में, तो आज उन लोगों को ये वाला विला विजिट करवाऊंगा। ये 500 गज का विला सिर्फ और सिर्फ 4 बेडरूम के ऊपर बना हुआ विला है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कमरे हों, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए विला बनाया है जो कि शौकीन है अच्छा घर परचेज करने में, महंगे से महंगे घर में रहने में। और सिर्फ कराची की सबसे बेहतरीन सोसाइटी नहीं, पूरे पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल को मेंटेन करते हुए उस सोसाइटी में 500 गज का विला आप लोगों को बताने लगा हूँ, जिसमें स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जिमनेजियम मौजूद है। इस विला के अंदर आप लोगों को सिनेमा प्रोवाइड किया जाएगा और हॉल आपको बेसमेंट के साथ। तो खैर, शुरुआत करते हैं इस विला की, इस ड्राइंग रूम और लाउंज के एरिया से, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत सा बनाया गया है। इसके एक एक टाइल आप लोगों को जो नज़र आएंगे, इसकी थीम आप चेक कीजिए। सबसे पहले लाइट ग्रे शेड में रहते हुए इसके 4x8 के टाइल लगाए गए हैं। और ये मेरे सामने ये जो खूबसूरत सी इन्होंने ये वॉल ट्रीट की गई है, जिसमें मिरर लगाया हुआ है बेहतरीन, मतलब आप लोगों के जब यहाँ मेहमान बैठेंगे तो उनको ये लगेगा कि हाँ यार, जैसा भेटूँ कराची ने महंगे से महंगी चीज़ें लगाकर अपना सोसाइटी बनाई है, उस तरह आपने ये घर बनाया गया है। तो आपके लाइफस्टाइल को ख़ास तौर पे माइंड में रखते हुए इस घर को बनाया गया है। इसकी एक एक वॉल आपको ट्रीट होती हुई नज़र आएगी, मिरर वर्क आप लोगों को नज़र आएगा, वॉल के ऊपर जितनी ट्रीट है ये सब आपके सामने। ये जो फर्नीचर रखा गया है, कर्टेंस लगाए गए हैं, फ़ैन लगाए गए हैं, ये सेमी फर्निश्ड में ये वाला विला बिकने के लिए आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो मेहमानों के लिए ख़ास तौर पे ड्राइंग रूम के साथ साथ उसके पाउडर वॉशरूम का भी ख्याल रखा गया है। आप सिर्फ पाउडर वॉशरूम में भी देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सी वही लाइट ग्रे थीम जो है वो मेंटेन की गई है। ये उसकी वैनिटी यहाँ पर रखी गई है और ये कंसील्ड फिटिंग के साथ आप लोगों का वॉशरूम पूरा का पूरा इसका खूबसूरत सा डिज़ाइन किया हुआ है। अब आ जाएं आप लोगों को फैमिली के जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है, वो है किचन। यहाँ पर मौजूद हूँ, ये ग्रैंड ओपन अमेरिकन किचन बनाया गया है। इसकी एक एक कैबिनेट, एक एक एसेसरीज आपकी इम्पोर्टेड हाइड्रोलिक लगाई गई है। जितनी कैबिनेट्स की आपको शीट नज़र आ रही है ग्रे शेड में रखते हुए, फोटाइल की एक एक एसेसरीज यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं। ये पूरा आप लोगों के सामने ग्रैंड ओपन किचन है, जो कि आपके लाउंज को बिल्कुल ओपन, जितने भी आपके मेहमान हैं, ये आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरती के लिए होता है, तो इसी तरीके से उसको मेंटेन किया गया है। लेकिन सिर्फ खूबसूरती के अलावा जो आपका मेन डर्टी किचन है, जहाँ पर आप लोगों ने ज़ाहिर है अपने खाने वाने बनाने मज़े के, तो वो भी आपका किचन ही आपके सामने है। किचन में फ्रिज की स्पेस अलग से आपको प्रोवाइड की गई है, ये पूरा आप देख सकते हैं। खूबसूरत सा इसका जो ग्रेनाइट है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, फोटाइल की फिटिंग्स है। इस एरिया को भी पूरा कैबिनेट्स के थ्रू इसको बंद किया गया है, तो एक एक चीज़ यहाँ पर जो है वो बेहतरीन इंस्टॉल की गई है। वीडियो तो मैंने अभी शुरू की है, क्योंकि मैं आगे वीडियो में आप लोगों को नीचे सिनेमा दिखाने लगा हूँ, जिमनेजियम आपको दिखाने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले अभी मैं लाउंज में मौजूद हूँ, जो कि इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मौजूद है। फॉल सीलिंग अक्सर आप लोगों की देख देख के थक गए होंगे, लेकिन इस घर की फॉल सीलिंग की बात करें तो आप लोगों को ये पूरी की पूरी फॉल सीलिंग बिल्कुल यूनिक वे में नज़र आएगी। ये शैंडलियर आप लोगों की लाउंज में इस जगह की जान बनाया गया है। इस दीवार को जिस खूबसूरती के साथ ये जो आप लोगों को डिज़ाइन की हुई, ये जो वॉल ट्रीट हुई हुई नज़र आ रही है, ये बहुत ही खूबसूरत वॉल यहाँ पर बनाई गई है। मिरर वर्क हर जगह पर किया गया है, क्योंकि मिरर से आपकी खूबसूरती बढ़ती है और घर भी थोड़ा सा जो है वो खुला नज़र आता है। तो ये खूबसूरत से ये 4x8 के टाइल के साथ ये आपकी टीवी वॉल लगाई गई है। वैसे इस घर के अंदर कैमरा सारे इंस्टॉल हैं, ये टी 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 कर रहा है कि भाई यहाँ पर देख लो, हम भी आप लोगों पर नज़र रखे हुए हैं। अब मैं आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर पर जो फर्स्ट बेडरूम बना हुआ है सिर्फ वो दिखाऊँगा। और इस पूरे ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ एक ही बेडरूम है। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये एरिया जो पूरा का पूरा बनाया गया है इस घर का, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो शौकीन है। इसकी जो ओपन स्पेसेस हैं, जो इसकी एक एक चीज़ को खुले तरीके से बनाया गया ताकि कंजस्टेड ना हो, आप लोग इंजॉय कर सकें इस घर में रिहाइश करते हुए। तो फिलहाल स्टार्टिंग इसके
जितने भी दरवाजे लगाए गए हैं वो सॉलिड वुड इस पे लगाया गया है। एक्सपेंसिव जो है वो यहाँ पर डोर लॉक्स लगाए गए हैं। इसके बटन ब्लैक कलर की शेड में, हल्का सा गोल्ड शेड में रहते हुए सारे बटन यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। ये पूरा रूम जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इसी तरीके से आप लोगों को मिला जाएगा। ये आपकी टीवी वॉल हो गई, ये पूरा का पूरा सेट आप लोगों का बेडरूम का यहाँ पर सेट करके दिया हुआ है। ये ड्रेसिंग टेबल हो गया। और अब मेन चीज़ बात करते हैं इस घर के, सबसे मेन चीज़ वो है इसके वॉशरूम। जितने वॉशरूम मैं आप लोगों को इस पूरे घर में दिखाऊंगा ना, मैं खामोश रहूंगा, वॉशरूम खुद बात करेगा। अब मैं आप लोगों को फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ, लेकिन ले जाने से पहले आप लोगों के सामने ये जितनी ये हॉलवे का एरिया, जितनी भी ओपन स्पेस, ये स्टेयरकेस को जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ये आप देखिए, यहाँ से खड़े हुए फर्स्ट फ्लोर से आप बेसमेंट तक पूरा का पूरा व्यू आपको नज़र आएगा। तो ओपन स्पेसेस इतनी ज़्यादा रखी गई हैं ताकि घर बहुत ज़्यादा खुला लगे। खैर, इसकी स्टेयरकेस ब्लैक कलर की ग्रेनाइट, इस वॉल के ऊपर देखें क्या खूबसूरत सी थीम, महंगे से महंगा कलर जो है वो रहते हुए यहाँ पर ट्रीट किया गया है। और ये ओपन स्पेस माशाल्लाह, ओपन टू स्काई, इस जगह से पूरा का पूरी जो रोशनी है घर के अंदर एंटर होती है। और ये शैंडलियर उसकी मतलब चांदनी लगा दी ना इस घर की, इस शैंडलियर ने इतना खूबसूरत सा शैंडलियर जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ, ये लाउंज आपके सामने खूबसूरत सा मौजूद है और ओपन किचन भी फर्स्ट फ्लोर पे दिया हुआ है। अब आप लोगों को जो ऊपर तीन बेडरूम है उसका जो फर्स्ट बेडरूम है, सारे बेडरूम के जो साइजेस हैं वो इसी तरीके से ग्रैंड रखे गए। सारे बेडरूम मास्टर बेडरूम है। इसकी जितनी भी विंडोज़ यहाँ पर यूज़ की गई हैं वो सारी की सारी आप लोगों को बेल्जियम UPVC यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। और अब आ जाएं आप लोगों को इसके वॉशरूम की तरफ। ये पूरी वॉल मिरर इतना खूबसूरत सा सर्कल शेप में लगाकर ये बेडरूम पूरा का पूरा डिज़ाइन करके इसको सेटल किया हुआ है। और ये इसका वॉशरूम देखिए माशाल्लाह, मतलब दो वैनिटी भी लगी हुई हैं, पूरी की पूरी मिरर से इसकी कैबिनेट्स इंस्टॉल की गई हैं, जकूजी, वॉशरूम कंसील फिटिंग, और ये ओपन टू स्काई इस एरिया से। तो देखिए तो सही, एक एक चीज़ इस घर में जो है बड़ी खूबसूरत सी लगाई गई है। आ जाए आप लोगों को दूसरे बेडरूम की तरफ लेकर चलते हैं। अब इस हॉलवे को क्रॉस करने के बाद आप लोगों को दो बेडरूम मिल जाते हैं, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। और ये आप लोगों का डर्टी एरिया है जहाँ पर आप लोग वॉशिंग मशीन और ये सब चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वाला पूरा का पूरा बेडरूम जो है वो सेट किया हुआ है। मिरर, जैसे मैंने कहा, शौकीन है ये कस्टमर मिरर लगाने में, तो ये हर जगह मिरर आपको नज़र आते हैं। पूरा ये बेडरूम आपका सेट किया हुआ है। जो इसकी कैबिनेट्स हैं वो इस जगह के ऊपर अलग से, वॉकिंग क्लोजेट इसकी अलग से बनाई गई है। ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर पूरा का पूरा लगाया हुआ है। और इसका वॉशरूम देखिए आ जाए, खूबसूरत सी ब्लैक कलर में वैनिटी। इस पूरे वॉशरूम में 4x8 के टाइल से कम बात नहीं की गई है, तो वाइट और ब्लैक को रखते हुए, इस कलर को ब्लेंड करते हुए इस पूरे एरिया को डिज़ाइन किया गया है। अब आ जाएँ इस घर का लास्ट बेडरूम, जो कि यहाँ पर कोई फर्नीचर नहीं रखा गया, लेकिन इसका वॉशरूम बाकी सारे वॉशरूम की तरह खूबसूरत तरीन बनाया गया है। ये आपके सामने देखिए तो सही, मत एक एक चीज़ जो है यहाँ पर आपके 4x8 के टाइल, वाइट कलर, ब्लैक कलर, कंसील फिटिंग, वैनिटी, एक एक चीज़ सेपरेट बनाई गई है। वॉकिंग क्लोजेट्स के ऊपर भी लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं, उसके ऊपर भी पूरा का पूरा मिरर वर्क रखा गया है। और इतनी स्मूथ हैं ये सारी की सारी कैबिनेट्स कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये सब चीज़ें आप लोग आकर विजिट कर सकते हैं। अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, बस एक लास्ट चीज़ रह गई है। तो आ जाए अब आप लोगों को इस घर की, क्योंकि ज़ाहिर है सारे रूम्स दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन अब मेन चीज़ है इस घर की एंटरटेनमेंट, जो कि आप लोगों को घर में ज़रूरत होती है, वो है मेन चीज़ सिनेमा, जिम। आप लोगों के मेहमानों के लिए अलग से बैठी हुई पूरे के पूरे एक एरिया अलग से दिया हुआ है। तो आ जाए आप लोगों को नीचे बेसमेंट में लेकर चलते हैं। बेसमेंट को भी खाली नहीं छोड़ दिया कि बस हॉल के हॉल बना दिए, खुद ही करते रहना, नहीं, इस जगह को भी उसने मेंटेन किया है। सबसे पहले इस एरिया पे ये जो खूबसूरत से टाइल्स लगाए गए हैं वाइट और ब्लैक कलर को ब्लेंड करते हुए, यहाँ पर भी 4x8 के टाइल्स लगा दिए गए। तो ये मैं स्टेप डाउन होने के बाद, सबसे पहले तो इस एरिया में आप लोगों को यहाँ पर नीचे भी पूरा का पूरा एक हॉल नज़र आता है। और इस हॉल के बाद जब आप बोर हो जाएं, तो आप अपने फैमिली मेंबर को अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बैठे हुए इस पूरे के पूरे एरिया में, जो कि प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि इस एरिया में आप लोग यहाँ पर सिनेमा बना सकते हैं, सोफे रखें इस जगह के ऊपर, और यहाँ से रहते हुए आप
फिल्म एंजॉय कर सकते हैं। इस एरिया को पूरा का पूरा साउंड प्रूफ रखा गया है ताकि आप लोग यहाँ पर सिनेमा में मूवी देखते वक्त एंजॉय कर सकें। एसी यहाँ पर इंस्टॉल है। इस पूरे प्रोजेक्टर को जो प्रॉपर एक कंपनी होती है जो कि सिनेमा को डिज़ाइन करती है, उसकी एक एक चीज़ रखती है, उसको हायर करने के बाद प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर रखी गई है एक एक चीज़। या अब आ जाएँ, जिम का एरिया भी अलग से रखा गया है। वैसे ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर भी सोफे रखे, आप लोगों की फैमिली के लिए एक सिटिंग एरिया है। और इस एरिया को पूरा का पूरा मिरर लगा कर, क्योंकि जिम के अंदर आप लोगों को ज़ाहिर है शीशे की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर आप लोग अपने जिमनेजियम का सारा सामान रख के बॉडी वॉडी भी बना सकते हैं। और अगर थक जाए, बात लेना हो, तो बेसमेंट के अंदर भी प्रॉपर मशीनरी के साथ यहाँ पर जो है ये पूरा सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस घर से फ़िलहाल मैं बाहर आ चुका हूँ, और बाहर की एलिवेशन की बात करें तो ये 550 गज़ के ऊपर ये वाला विला जो है बना हुआ है। टी प्लॉट के ऊपर ये वाला विला है। इसकी पूरी एलिवेशन में आप देखेंगे स्टोन क्लैडिंग का वर्क पूरा का पूरा हुआ हुआ है, ग्रे शेड में रहते हुए, और कहीं कहीं हल्का सा बेज कलर के जो स्टोन है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए। तो याद रखें, ये मैं भैरिया हिल्स के अंदर मौजूद हूँ, जो कि बैठा हूँ कराची की खूबसूरत तरीन लोकेशन भी है, और ये एलिवेशन भी भैरिया की सबसे खूबसूरत तरीन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग बैठे हैं कराची में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, अपना घर बनाने का सोच रहे हैं, वो हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि भैरिया के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मौका यही है कि जहां पर आज आप लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करके आप अपना घर बना सकते हैं। ये सब चीज़ें एक वक्त में ठीक हो जाएंगी, और हम सब इस उम्मीद में ही ज़िंदगी गुजारते हैं कि भाई मामलात ख़राब हैं लेकिन आने वाले वक्तों में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो नाउम्मीदी कुफर है, अच्छे रेटों के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं। तो जो लोग इस घर को हासिल करना चाहते हैं वो नीचे दिए हुए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। मैं अपने घर की तरफ रवाना हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमसे ज़रूर रابطہ करेंगे इस विला के हवाले से। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और आप लोग पीछे दिए हुए जो नेशनल फ्लैग है उस व्यू को आप इन्जॉय करें। खुदा हाफिज़।